टू माई चैनल चॉकलेट्स एंड मोर विद श्रुति। आज के वीडियो में मैं आपको ये मैंने स्टैम्प्स मंगाए थे कैनवस टू क्राफ्ट वेबसाइट से और इनको मैं यूज़ करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये यूज़ किया है, यूज़ करूँगी। ये कैनवस का ही एक बैनर है कपड़े का। इस बैनर के साथ मुझे ये रॉड मिले थे, वुडन रॉड जो दोनों साइड रहेंगे, और एक ये रिबन मिला था टांगने के लिए। और जो मैंने स्टैम्प्स मंगाए थे, ये 5 स्टैम्प्स का सेट है, जिसमें एक बड़ा स्टैम्प है राम मंदिर और स्वास्तिक ओम राम लिखा है और कलश बना है। इसको मैं आज यूज़ करूँगी। मैं कलर यूज़ करूँगी रेड, बिकॉज इसका रिबन का कलर भी रेड है, वो उसके साथ अच्छा जाएगा। तो मैंने एक प्लेट में रेड कलर, रेड एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर आपके पास हो तो वो आप उसको इसमें मिक्स कर सकते हैं। और ये टिश्यू मैंने डाला है, टिश्यू पेपर डाला है, तो इससे आसानी से आप डैब कर सकते हो स्टैम्प को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो सेंटर पीस है, ये तो सेंटर में आएगा तो अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह से यहाँ ये बीच में रहेगा ऐसे। और इन स्टैम्प्स को मैं यूज़ करूँगी, ये वाला जो स्टैम्प है इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे इस तरह से नाम लिखने के लिए। 5 टाइम्स यहाँ नाम आ जाएगा इधर पे और 5 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ जो स्पेस बचा है इस पे मैं स्वास्तिक और ओम रखूँगी। तो यहाँ एक तरफ ओम आ जाएगा और एक तरफ स्वास्तिक आ जाएगा। और बीच में जो स्पेस खाली है इसमें मैं कलश रख दूंगी। और इसी तरह से हम यहाँ नीचे भी करेंगे, स्वास्तिक ओम और बीच में कलश। तो होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम अब स्टार्ट करेंगे। इसमें स्टैम्प यूज़ करे हैं और पता नहीं, हो सकता है कि मेरे स्टैम्प करने का तरीका सही नहीं था या क्या था, समझ में नहीं आया। बट कुछ जगहों पे आप देख रहे हैं कि पिक्चर क्लियर नहीं आई है और हल्का आया है, जैसे राम लिखा था तो वो हल्का आया। मे बी कलर मिक्सिंग अच्छे से नहीं हुई है। छोटे स्टैम्प्स ने अच्छा काम किया है, जो कलश है या ओम का है या स्वास्तिक वाला है, ये वाले बहुत सुंदर बन के आए हैं। लेकिन मंदिर बहुत क्लियर नहीं आया क्योंकि मुझे उसको 2-3 बार करना पड़ा। एक तरीका बस मैं और कर सकती हूँ इसको इम्प्रूव करने का, वो ये कि मैं ब्रश की मदद से इसको
एक बार इसी के ऊपर जिस जो बना है उसी पे ड्रॉ कर दूंगी तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। अदरवाइज ये इस तरह से दिख रहा है, थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लग रहा है, लेकिन हाँ स्टैम्प्स की क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी थी। और बड़े वाले को अगर हम थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, लेकिन छोटे वाले काफ़ी अच्छे हैं। मे बी कलर्स में इनफ पानी नहीं था या जो भी रहा होगा वो एग्जैक्ट मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाकी चीज़ बहुत सुंदर आई है। मैं अभी इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ ब्रश से, मे बी ब्रश से ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा मैं आपको फिर दिखाती हूँ बना के। अभी थोड़ी देर मैं इसको सूखने छोड़ रही हूँ क्योंकि ये अभी गीला होगा बिल्कुल। पीछे भी थोड़ा सा इसका प्रिंट आ गया है तो मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ूंगी। फिर उसके बाद जब ये सूख जाएगा देन आई विल मतलब इसको थोड़ा और क्लियर कर दूंगी ब्रश की मदद से। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और जो ये मैं प्रोडक्ट लाई थी मैंने इसको यूज़ किया, आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।